अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको पता है कि शबे बारात के रोज़े से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे डिटॉक्स टी जो थी वो उसे पी रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो है वो वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया है जो कि 30 डेज का, और मेरे 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे इंस्टाग्राम से पीआर आया हुआ था, तो वो शेयर किया आप लोगों के साथ। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, ये है सैरी का टाइम, और यहाँ पे मैंने पराठे बनाए थे। बहुत टाइम बाद मैंने घर में पराठे बनाए थे। मैंने एक दिन पहले का रोजा भी रखा था, लेकिन ये वाला रोजा जो था वो ज्यादा स्पेशल भी था, और ये मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी रखा था, तो बस वही आपको दिखाई थी। यहाँ पे मैं खुश हो रही थी कि पराठे के अंदर बल कितने जबरदस्त थे, और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि हस्बैंड आए तो फिर हम लोग सैरी शुरू करें, क्योंकि ना ये वाले जो रोजे होते हैं उनका टाइम का पता नहीं चलता। फिर आगे जैसे रमजान आ रहे हैं, फिर वो रूटीन सेट हो जाती है। आपको पता होता है जिस दिन रमजान स्टार्ट होता है उस दिन तो रात को नींद ही आती है इस खुशी से कि सुबह को सैरी करनी है और कहीं लेट ना हो जाए। तो मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा ना टाइम से जल्दी सैरी करते हैं, उन्हें ये जल्दी जल्दी खाने वाला उन्हें पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं कि बेशक जल्दी उठा लो लेकिन सैरी हम लोग आराम से ईजी होकर करें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो सैरी वगैरह की, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी थी, फिर मैं सो गई थी। हम लोग जाहिर सी बात है, और पूरा दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कोई काम करने वाला था ही नहीं, बस रेगुलर बेसिस पे काम होते हैं, बस वही सब कुछ चल रहे थे। उसके बाद जी तारी का टाइम आ गया था, और यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े, और मैं आलू वाला बेसन जो था उसका मिक्सर बना रही थी, और ये जो था ये मिक्स का था। और मिक्स पकोड़े क्या मैं बनाती हूँ, लाजवाब बनाती हूँ, क्रिस्पी और मजेदार से। तो बस ये कि इसके अंदर मैंने सब चीजें ऐड की हैं, नमक मिर्ची मसाले जितने भी थे ना घर में आपने देखे हैं सब मैंने ऐड किया। अनारदाना, सूखा धनिया और प्याज, पालक और आलू, ये सब चीजें भी मैंने इसमें ना ऐड किया। और अगर आपने क्रिस्पी पकौड़े बनाना है तो उसका राज यह है कि आपने प्याज और आलू को लंबा लंबा और पतला पतला कट करना है, उससे आपके पकौड़े जो है मिक्स वाले वो बहुत ही क्रिस्पी और ना बहुत मज़ेदार से बनते हैं। जो थे वो मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। मैं मज़े मज़े के साथ अफ्तारी बना रही थी, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो बहुत ही कम था। और यहाँ पे जो हस्बैंड थे मेरे वो फ्रूट चाट और साथ में कचौड़ियाँ ले आए थे। कचौड़ी खाने को दिल कर रहा था क्योंकि आपको पता है रमज़ान जैसे आ रहा है तो उसकी वाइब आ रही है, तो सेम वही वाला सीन था कि मैंने कचौड़ियाँ मंगवा ली थी। और यहाँ पे मैं आपको मिक्स पकौड़े दिखा रही हूँ कि वो चेहरे से कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। कचौड़ी को देखे तो वैसे मेरे मुँह में पानी आ रहा था क्योंकि सबकी ये फेवरेट होती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से अफ्तारी जो थी वो रेडी थी, और यहाँ पे आलू वाले पकोड़े जो थे वो भी क्रिस्पी से मज़ेदार से रेडी थे बनके, और ये सब चीज़ें मैंने रख दी थी। और अल्लाह पाक कबूल करे शब रात के रोज़े रखे, और हमें हिम्मत दे कि हम रमज़ान के भी रोज़े इसी तरीके से खुशी के साथ रख सकें। आपका भी रोज़ा था, क्या रोज़ा था आपका? और मुँह में तो आपके खाना है नया, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं भी छोटी हूँ। ये वाला मत खाओ, सब्र करो, सब्र, ये वाला ले लो। अफ्तारी से फ्री होने के बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई जो थी वो मैं एक नए तरीके के साथ बना रही थी, तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने ले लिया तकरीबन 5 अदद टमाटर बड़े साइज के, उनको मैंने हाफ कर दिया छिलके के साथ, ठीक है। और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट ले लिया है, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि छिलके के साथ दिया क्योंकि इसके छिलके जो है वो बाद में रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जैसे वो फ्राई हो जाए अपना कलर वो थोड़ा सा चेंज कर ले, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी साथ साथ, तो एक से काम करने की वजह से जो स्पून था उसकी वजह से मिक्स ही नहीं सब कुछ हो पा रहा था, तो मैंने ऑफ कैमरा अच्छे से इसकी भुनाई की। और उसके बाद जो यहाँ पे देखें लहसुन अदरक जो था वो अच्छे से भुनाई हो चुकी है। उसके बाद मैंने जो मैंने आपको बताया ना टमाटर हमने हाफ कट किए हैं और छिलकों के साथ, अब हम उसके ऊपर इस तरीके से ना रखते जाएंगे, और इनको सारे को मैं ऊपर रख दूंगी। उसके बाद हम इसको स्टीम देंगे, मतलब दम पर रखेंगे। इससे ये होगा कि हम इसमें कोई भी हम लोग पानी भी ऐड नहीं करेंगे, जो टमाटरों का पानी होगा वो इसमें से निकलेगा, और ना उसी के पानी के अंदर चिकन जो है वो अच्छे से गल भी आएगी, और इतने कोई मज़ेदार सा लजीज सा चिकन कढ़ाई जो होगी वो बन के रेडी होगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे छिलके रिमूव करने, क्योंकि जो टमाटर थे वो अब सॉफ्ट हो चुके थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी ना चिमटे की हेल्प से सारे के सारे मैंने छिलके जो थे उसके रिमूव कर दिए थे, और यहाँ पे देखे जी टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम लोगों ने इस तरीके से स्पून की हेल्प से ही इसको अच्छे से ना मतलब मिक्स कर लेना है, सारे ब्लेंड हो जाएंगे, अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद हमने इस स्टेज के अंदर हम लोगों ने इनमें मसाले ऐड करने हैं। जी सारे मसाले आपके सामने, ये सब मैं इसमें ऐड करूंगी। और ना इसमें मैंने ना काली मिर्चें ज़्यादा यूज़ की हैं, लाल मिर्चें मैंने कम यूज़ की हैं, क्योंकि काली मिर्चों और नमक में ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो इसके अंदर मैंने सूखा धनिया, हरा मिर्चें,
नमक और हल्दी जो थी वो सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी बिल्कुल हल्का हल्का पानी ऐड करके, क्योंकि हम लोगों ने जो है कढ़ाई बनानी है और कढ़ाई आपको पता है मसाले वाली होती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर अच्छे से भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने इसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची और गर्म मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद जी मेरे पास था यहाँ पे एक कोयला, आप इसके अंदर कोयले का स्मोक दे देंगे ना तो इसको चार चांद लग जाएंगे इस कढ़ाई को। उसके बाद मैंने इसको स्मोक दिया, स्मोक तो आपको पता कैसे देते हैं। तो जनाब बन के रेडी हमारी मज़ेदार सी स्मोकी कढ़ाई, और इतने मज़े की बनी है काली मिर्चों के साथ, बहुत ज़्यादा मज़े की होगी, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने ट्राई किया तो आपने मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और इसी बात पे मेरे चैनल को आप लोगों ने कर देना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, मुझे बिल्कुल फ्री है, और इससे ये होता है कि मेरे व्लॉग्स आपसे मिस नहीं होंगे, आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं अपनी डेली रूटीन्स और उसके अलावा स्टोरीज वगैरह शेयर करती रहती हूँ। ये व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट तक जैसे व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।